हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था सिंगल फेज फुल कन्वर्टर एट आर एल लोड। उसके अपन ने वेवफॉर्म देखी थी, कंटिन्यूस कंडक्शन देखा था, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन देखा था और अदर पैरामीटर्स देखे थे लाइक एवरेज वोल्टेज एंड एवरेज करंट आर एम एस वोल्टेज। आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं सिंगल फेज फुल कन्वर्टर एट आर एल ई लोड पे, ठीक है, या मैं बोलूँ डीसी मोटर के ऊपर। तो देखते हैं इसके कंटिन्यूस कंडक्शन में कैसे मोड करता है, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में कैसे मोड करता है, इसका हार्मोनिक एनालिसिस देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सिंगल फेज फुल कन्वर्टर एट आर एल ई लोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम में क्या होगा, देखो फुल कन्वर्टर बनाना है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेव के लिए काम करना चाहिए। तो दोनों वेव के काम करें कैसे, अपन लेते हैं ब्रिज नेटवर्क। ब्रिज नेटवर्क में कितने होते हैं, चार एस सी आर होते हैं। ये ले लिए मैंने चार एस सी आर, ठीक है। और लोड पे क्या लगाएंगे अपन, आर एल ई। तो एक लगा लिया रेजिस्टेंस, फिर लगा लिया एक इंडक्टर और फिर लगा दें लास्ट में ई एम एफ। अगर यहाँ पे मोटर लगी होती तो क्या होता है, ये बैक ई एम एफ, ठीक है। और इनपुट में क्या दे रहे हैं अपन, सप्लाई कौन सी, सिंगल फेज एसी सप्लाई। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और यहाँ पे लगाइए अपन ने सप्लाई कितनी, वी एस, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में करना क्या है, देखो जो वी एस होता है वो क्या होता है अपना एक्चुअली में वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया मेरा टी वन थायरिस्टर, ये हो गया टी थ्री थायरिस्टर, ये हो गया टी फोर थायरिस्टर, ये हो गया टी टू थायरिस्टर। याद करने की ट्रिक बताई थी, वन और फोर मतलब फाइव, इन दोनों का सम फाइव रहना चाहिए हमेशा। ये क्या हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ये हो गया एल इंडक्टर और ये होगी मेरी ई एम एफ ई, ठीक है। यहाँ से कौन सी करंट फ्लो होगी, आई नॉट लोड करंट। इसके अक्रॉस कौन सी वोल्टेज आएगी, वी नॉट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो सर्किट की वर्किंग देखते कैसे होता है, मतलब कौन कौन से थायरिस्टर कब कब वर्क करेंगे। तो अगर मान लो पॉजिटिव साइकिल ले रहा होगा, इसमें एक्चुअली होगा क्या, जो इनपुट होती है अपनी क्या होती है, साइन होती है। तो साइन के अंदर क्या होता है, दो साइकिल्स होती है, एक तो पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल, ठीक है। मान लिया पॉजिटिव साइकिल है, तो पॉजिटिव साइकिल में क्या हो गए, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। तो करंट फ्लो होना कैसे स्टार्ट होगी, ये रेड पेन से दिखा रहा हूँ मैं इससे, कुछ इस टाइप से होगा। देखो यहाँ पे करंट आया, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, इसको मैंने क्या दिया, टी वन को मैंने क्या दिया, ट्रिगरिंग पल्स दी। तो क्या हो गया, ये गेट टर्मिनल होता है इसका, यहाँ पे ट्रिगरिंग पल्स थी मैंने। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट कैसे फ्लो होगी, कुछ इस टाइप से फ्लो होगी। इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि तो रिवर्स बायस में, तो कैसे करंट जाएगी, लोड के थ्रू, और लोड के थ्रू होते ऐसे जाएगी। अब देखो अब वापस कैसे निकलेगी, देखो जो नेगेटिव है वो कहाँ पे जा रहा है, टी टू पे। तो टी टू वाला क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस हो गया तो टी टू के थ्रू जाएगी करंट और सर्किट तक वापस पहुंच जाएगी। तो क्या हुआ, पॉजिटिव साइकिल में टी वन और टी टू वर्क किया, मैंने आपको साइकिल दिखाई थी कैसे वर्क हो रहा है। पहले टी वन पे गया, फिर टी वन से लोड पे, लोड से वापस टी टू पे, टी टू से वापस सोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा पॉजिटिव साइकिल में वर्क हो गया। अगर मैं नेगेटिव साइकिल की बात करूं तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव कैसा कहाँ से जा रहा है, देखो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव देखो यहाँ जाएगा, तो ये तो रिवर्स बायस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो कहाँ से जाएगा, जो ब्लू वाली लाइन है फॉर नेगेटिव है, ठीक है। तो अब देखो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, टी थ्री पे। तो देखो टी थ्री पे गया, टी थ्री के बाद में देखो इधर तो जाएगा नहीं, तो लोड पे जाएगा वापस से। अब लोड के बाद में कैसे जाएगा, लोड पे देखो होता हुआ, अब देखो वापस आ गया। अब टी टू और टी थ्रो नेगेटिव किस पे लगा हुआ है, टी फोर पे लगा हुआ, तो ये वाला क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस होगा तो ये करंट कहाँ पे आ जाएगी, टी फोर पे, और ए पॉइंट से होते हुए वापस अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, पॉजिटिव से टी थ्री के होते हुए लोड के थ्रू गया, लोड से वापस कहाँ पे आया, टी फोर पे, और टी फोर से वापस से सोर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ब्लू फोर
नेगेटिव साइकिल, एंड रेड फॉर पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल में कौन कौन से वर्क कर रहे थे अपने? टी वन और टी टू, और नेगेटिव साइकिल में कौन कौन वर्क कर रहे थे? टी थ्री और टी फोर। ठीक है, अब देखो इसमें दो टाइप के मोड होते हैं। फर्स्ट अपना होता है डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, जिसमें अपन को ई का इफेक्ट देखने को मिलता है। सेकेंड वन होता है अपना कंटिन्यूअस कंडक्शन, जिसमें अपना ई का इफेक्ट नहीं दिखता। ठीक है, कंटिन्यूअस कंडक्शन एज आर एल लोड की तरह वेवफॉर्म आती है इसकी। ठीक है, तो अगर अपन डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन की बात करें तो देखो मैं क्या ले रहा हूँ। पहली बात तो जो इंडक्टर की वैल्यू है वो लो ले रहा हूँ, ठीक है, हाईली इंडक्टिव लोड नहीं ले रहा है यहाँ पे। तो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए अपन वेवफॉर्म देखते हैं। अगर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए अपन वेवफॉर्म देख रहे हैं तो उसमें होगा क्या एक्चुअली? अपना एक तो इनपुट लगाएंगे अपन, ये लगा दिया मैंने इनपुट, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, ये क्या हो गया मेरा एसी इनपुट, वीएस। ठीक है, ये जीरो था, ये पाई था, ये टू पाई, फिर थ्री पाई, ये फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, तीन साइकिल तो मतलब सिक्स पाई तक जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ इसके आउटपुट वोल्टेज की, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या था, साथ में ई भी तो लगा था, तो ये लो मैंने लगा दिया अभी ई, तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा ई। अब मैं बात करूँ इसके अगर आउटपुट वोल्टेज की, तो आउटपुट वोल्टेज देखते हैं कैसा आएगा। तो देखो कंडीशन क्या होती है कि जो ई है और वी ए साइन ओमेगा टी है या तो ये इक्वल हो। तो इसमें जो कंडीशन होती है अपने आउटपुट मिलने की, वी आउटपुट अपने को कब मिलेगा, व्हेन क्या होना चाहिए अपना, जो वी एस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ई से, या मैं बोल दूँ वी एम साइन ओमेगा टी है जो मेरा वो ग्रेटर देन होना चाहिए ई से। अगर ग्रेटर देन ई से होना चाहिए तो होगा क्या एक्चुअली? तो मैं यहाँ पे देखो इतने यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई भी फायरिंग पल्स लगाऊंगा तो मेरा थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मेरे को क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा ई। अगर मैं वोल्ट मीटर लगा के देखूंगा तो देखो मुझे ई मिल गया, उसके बाद में मैंने लगाया फायरिंग पल्स, तो फायरिंग पल्स लगाते मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा, सिमिलरली यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में होगा क्या अपना, तो मेरे को देखो यहाँ से यहाँ तक मिल गया आउटपुट कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब देखो इस टाइम पे अपन करंट की बात करते हैं, अगर तो करंट की वैल्यू जो वेवफॉर्म होगी किस टाइप से आएगी, कुछ इस टाइप से आएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक तो ऑन ही नहीं था तो करंट जीरो रहेगी, उसके बाद में क्या हुआ ऑन होना स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ जहाँ पे वोल्टेज जीरो थी वहाँ पे करंट इंडक्टर चार्ज हो गया फुल्ली। अब फुल चार्ज है तो यहाँ पे क्या है, जो थायरिस्टर की ऑफ होने की कंडीशन क्या होती है अपनी, कि होल्डिंग करंट से कम करंट होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो बहुत सारी करंट है, तो क्या होगा जो थायरिस्टर की वैल्यू वो नेगेटिव चली जाएगी। ठीक है, मान लिया यहाँ तक नेगेटिव चली गई। अब देखो उसके बाद होगा क्या, इतने से साइकिल में क्या होगा अपना इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। अगर मैंने इंडक्टर क्या ली है, लो वैल्यू ली है, यहाँ पे मेरा इंडक्टर चार्ज डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद में क्या होगा नेक्स्ट साइकिल। अब देखो नेक्स्ट साइकिल के लिए क्या होगा अपना, जैसे कि देखो यहाँ से यहाँ तक, अब देखो नेक्स्ट साइकिल तो यहाँ पे आनी चाहिए थी। ठीक है, मैंने मान लिया, अब देखो इसमें भी तो क्या कंडीशन होगी अपनी कि सिमिलरली ये वाली ग्रेटर देन होनी चाहिए तभी अपने को मिलेगा आउटपुट। तो अब इसमें है क्या, देखो यहाँ से वापस देखो मैंने, देखो यहाँ पे मान लो नेक्स्ट फायरिंग पल्स अपन यहाँ दे रहे हैं इसके ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा अपना थायरिस्टर ऑफ रहेगा,
तो वापस से मेरे को क्या मिलेगी, ई वोल्टेज मिल जाएगी। उसके बाद में क्या मिलेगा मेरे को, वापस से आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा, वापस से साइन आउटपुट मिलेगा। उतने टाइम में क्या होगा, देखो जो ये वाली करंट थी ये यहाँ से यहाँ तक जीरो रहेगी, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ तक वापस चार्ज होना स्टार्ट होगा। उसके बाद में क्या होगा, देखो अगर वोल्टेज नेगेटिव चाहिएगी वापस से सिमिलरली, तो उतने में क्या होगा मेरा, ये डिस्चार्ज होगा इंडक्टर। फिर सिमिलरली क्या होगा, वापस से वोल्टेज मेरे को आउटपुट वापस मिलेगा, और इस टाइप से मेरे को आउटपुट मिलता जाएगा ईच साइकिल के लिए। और इसमें इंडक्टर चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे इंडक्टर चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, और ये मेरे को साइकिल कंटिन्यूस मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, किसके लिए होगी, डिसकंटिन्यूस कनेक्शन के लिए मेरी वेवफॉर्म आ गई। तो जो ये वाली वैल्यू है मेरी कितनी है, ई, ये जीरो, ये मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, फायरिंग पल्स कहाँ पे दी मैंने, अल्फा पे। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा बीटा, ये पाए, फिर नेक्स्ट फायरिंग पल्स पाई प्लस अल्फा पे, सिमिलरली ये अल्फा पाई बीटा पे ये डिस्चार्ज हुआ फुल्ली, उसके बाद में पाई प्लस अल्फा वापस से चार्ज होना स्टार्ट हुआ। तो ये मेरी क्या हो गई, आउटपुट करंट मिल गई। ठीक है, अगर मैं इसकी एवरेज वोल्टेज की बात करूं, ठीक है, तो एवरेज वोल्टेज कैसे निकलेगी, वी नॉट निकालना है मुझे एवरेज वोल्टेज, तो कैसे निकलेगी, देखो एक साइकिल ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मेरे को आउटपुट कहाँ तक मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है, तो वन अपॉन पाए, देखो अल्फा टू बीटा, तो किसको इंडिकेट कर देता हूँ मैं, वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी को। ठीक है, प्लस बीटा टू क्या होगा, पाई प्लस अल्फा तक क्या मिल रहा है मेरे को, ई मिल रहा है, बीटा टू पाई प्लस अल्फा तक मेरे को मिल रहा है ई डी ओमेगा टी। ठीक है, तो उसको जो सॉल्व करेंगे तो अपने को जो फाइनल वी आउटपुट मिलेगा वो कितना आएगा, वन अपॉन पाए वी एम कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, जैसा कि अपन को आर एल लोड में देखने को मिलता है, प्लस ई बी वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा। ये वाला टर्म किस में था, अपना डिसकंटिन्यूस कंडक्शन में था आर एल लोड के। ठीक है, और ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया। तो आप चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो जल्दी याद रहेगी चीज़ें, और आप हमेशा डिराइव करने का याद रखें, यहाँ ना कि याद करने की, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आप याद नहीं कर सकते इसको बारी बारी में। ठीक है, तो ये निकल गया मेरा आउटपुट वोल्टेज। अब अगर बात करें अपन कंटिन्यूस कंडक्शन मोड की, ठीक है, तो उसकी वेवफॉर्म कैसे आती है देखते हैं अपन। तो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में क्या होगा, जो बैक ईएमएफ है ना, उसका इफेक्ट अपने देखने को मिलता नहीं है। तो अगर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, तो मतलब क्या होगा, जो वेवफॉर्म थी वो जैसे आरएल लोड में आई थी वैसे की वैसी सेम आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये ले लिया अपन ने, अगर मैं जो इंडक्टर की वैल्यू हाईली इंडक्टर लेके चल रहा हूँ, तो मुझे जो लोड करंट मिलेगी वो लगभग लगभग कॉन्स्टेंट मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं लोड करंट की बताऊँ आपको कि लोड करंट कितना आने वाला है, तो लगभग लगभग कॉन्स्टेंट आएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाई थी अपन ने, साइन वेव। तो अपन को आर एल लोड में कैसे मिल रही थी वेव, यहाँ पे मैंने फायरिंग पल्स दी थी। ठीक है, फायरिंग पल्स दी, उसके बाद में क्या मिला मुझे, आउटपुट मिला था किस टाइप से, देखो यहाँ तक मुझे आउटपुट मिलेगा। बट और क्या रहा है, यहाँ पे जो आई नॉट है वो तो कांस्टेंट है, होल्डिंग करंट से जब कम होगा तभी तो टी वन और टी टू ऑफ होंगे, यहाँ पे टी वन और टी टू वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो ऑफ तो होगा नहीं, मतलब नेगेटिव वोल्टेज चली जाएगी जब तक मैं नेक्स्ट फायरिंग पल्स नहीं दे रहा। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे किसको मिलेगी फायरिंग पल्स नेक्स्ट वाली, टी थ्री और टी फोर को, जो कहाँ तक चलेगी, नेक्स्ट फायरिंग पल्स तक। तो यहाँ पे टी थ्री और टी फोर चलेंगे। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, वापिस से यहाँ तक कौन सा आ जाएगा, टी वन और टी टू वर्क करेंगे, और फिर सिमिलरली टी थ्री और टी फोर वर्क करेंगे। तो
तो ये मेरा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, ये आ गया मेरा आई नॉट, ये अल्फा, ये पाई, पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अगर मैं हाईली इंडक्टिव लोड लेकर चलता हूँ तो मेरी जो आउटपुट करंट मिलती है वो रिपल फ्री मिलती है, एकदम कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये पाए, 2 पाए, 3 पाए और 4 पाए। ठीक है, तो ये इस टाइप से मुझे कुछ मिलेगी कंटिन्यूस कंडक्शन में वेवफॉर्म। अगर मैं इसके बात करूँ आउटपुट वोल्टेज की, ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज था सिमिलरली कैसे मिला था, देखो यहाँ से यहाँ तक साइकिल थी, तो 1/π इंटीग्रेट कहाँ तक कर दूँ, अल्फा टू पाई तक कर दूँ, या पाई प्लस अल्फा तक, अल्फा टू पाई प्लस अल्फा तक कर देता हूँ इंटीग्रेट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तो नेगेटिव वो आएंगे, यहाँ पे T1 T2 वर्क कर रहे थे, यहाँ से पहले क्या कर रहे थे, T3 और T4 वर्क कर रहे थे। तो ये क्या हो गया, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या अपने पास वैल्यू आएगी, वी नॉट इक्वल्स टू 2 Vm/π कॉस अल्फा, सिमिलर जैसा अपना RL लोड के लिए आया था। मैं आपको इसका लिंक आई बटन में यहाँ दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो उसको। और जो मेरा क्या था, सोर्स की करंट थी वो आउटपुट करंट के इक्वल थी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अपने याद करने हैं, आने वाले कुछ लेक्चर्स अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे एक दो, कि कैसे वर्क करता है और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी टेक्निक कैसे होती है सॉल्व करने की। ठीक है, अब अगर देखें अपन इसके हार्मोनिक एनालिसिस को, ठीक है, तो हार्मोनिक में होगा कैसे, पहले तो हार्मोनिक करते क्यों है एनालिसिस। ठीक है, तो एक्चुअली होता है क्या, जब अपन कन्वर्ट करते हैं ना किसी जैसे एसी को डीसी में, तो बहुत सारे मतलब फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि अपने जो वेवफॉर्म मिलती है एक्चुअली डीसी होती कैसी है अपनी, इस टाइप से कांस्टेंट, बट अपन को कौन सी मिलती है, पल्सेटिंग डीसी इस टाइप से। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, एसी के कुछ फैक्टर आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, यही अपने का होता है हार्मोनिक, मतलब डिस्टोर्टेड है वेव, ये प्योर डीसी नहीं मिल रही अपने को, प्योर डीसी में ये वाली चीज़ें जो होती है ये रिमूव करनी होती है अपने को। ठीक है, ये मतलब स्लोप नहीं आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, लाइक इस टाइप से कुछ है वो, सिंपल वेव फॉर्म आनी चाहिए अपने पास। ठीक है, डिस्टोर्टेड नहीं होनी चाहिए, डिस्टोर्शन बहुत से कम होना चाहिए इसके अंदर। अब हार्मोनिक होगा क्या, जैसे मान लो ये अपनी वेव फॉर्म थी, कौन सी वेव फॉर्म है अपनी, सिंपल से एसी वेव फॉर्म है। ठीक है, तो होता क्या एक्चुअली, जब इसको बोलते हैं अपन फंडामेंटल हार्मोनिक, ये जो ये प्रेजेंट होना जरूरी है, नहीं तो अपन कैलकुलेशन किसके दम पे करेंगे। ठीक है, और जो अपनी वेव फॉर्म होती है होते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, जो इवन हार्मोनिक होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वो इफेक्ट डालते नहीं है, अपन सिर्फ ओड हार्मोनिक की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे कैंसिल आउट होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे कि ये ली मैंने एक एसी वेव फॉर्म, ठीक है, ये क्या है मेरा फर्स्ट हार्मोनिक जो कि प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर मान लो थर्ड हार्मोनिक आ जाए, तो थर्ड हार्मोनिक मतलब क्या है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 3 गुना है फर्स्ट हार्मोनिक की। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जितने टाइम में इसने एक साइकिल पूरी की है उतने टाइम में वो 3 साइकिल पूरी कर जाएगा, कुछ इस टाइप से, 1 2 3। तो मतलब थर्ड हार्मोनिक आया तो मतलब क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई जो अपने को बढ़ानी नहीं है। तो ये मतलब क्या हुआ, 3 साइकिल पूरी कर गया अपनी उतने टाइम में, कितने टाइम में, जितने टाइम में फंडामेंटल हार्मोनिक ने एक साइकिल पूरी की। अगर मान लो फिफ्थ हार्मोनिक आ जाए, ये थर्ड हार्मोनिक के लिए था, अगर मान लो फिफ्थ आ जाए तो फिफ्थ कैसे होगा, ये तो फर्स्ट, तो फिफ्थ हार्मोनिक मतलब वो अपनी 5 साइकिल पूरी कर जाएगा जितने में फंडामेंटल हार्मोनिक ने एक साइकिल पूरी की। तो कुछ इस टाइप से होगा वो, 1 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, मतलब क्या, वो फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब क्या हो रहा है, जो वेव हो रही है वो डिस्टोर्टेड हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है। तो अपने को ये नहीं करना नहीं है, मतलब क्या, तो टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन है अपना, टोटल जितने भी हार्मोनिक्स हैं फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ, उन सबको अपन को कम करना होता है, इसलिए अपन उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कितना है उसके अंदर हार्मोनिक, अपन वो पता लगाते हैं। ठीक है, तो अपन इसके लास्ट में THD भी निकालेंगे कि टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन कितना है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं और कैसे
क्यों अपन इसका एनालिसिस करते हैं। अब अगर बात करें अपन हार्मोनिक एनालिसिस की, ठीक है, तो इसमें अपन ने देखो क्या किया है, जो वेव कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में अपन ने क्या किया था, जो आउटपुट करंट थी आई नॉट वो अपन ने माना था कांस्टेंट, ठीक है। तो हार्मोनिक एनालिसिस करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, फोरियर सीरीज, ठीक है। फोरियर सीरीज में अब जो फोरियर सीरीज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें अपना ए एन बी एन और सी एन होता था, ठीक है। ये मैथ के लिए मैथ के अंदर आता है अच्छे से, अपन उसमें अपन बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो मैथ में देखो जैसे अपन जो निकालते थे, अपन मुझे निकालना है आई टी करंट, इसके लिए तो निकालना है मुझे हार्मोनिक एनालिसिस, तो ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, एक तो ए नॉट प्रेजेंट होता था, टी सी फैक्टर, ठीक है, डी सी फंडामेंटल्स, उसके बाद में ये क्या था, एन की वैल्यू थी 1, 2, 3 से इनफाइनाइट तक। उसके अंदर दो फैक्टर थे, एक तो कॉस वाला फैक्टर था और एक साइन वाला फैक्टर था, जिसमें ए एन कॉस ओमेगा एन ओमेगा टी था, प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी था, ठीक है। तो अपन को करना क्या है, ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू निकालनी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आती है, देखो ए नॉट की वैल्यू होती है 1/2 पाई 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन आई टी डी टी, ये तो होता है मेरा ए नॉट। अगर मैं ए एन की बात करूँ तो ये क्या होता है मेरे पास, 1/π 0 to 2π आई टी कॉस एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये क्या हो गया मेरा ए एन। और मैं बी एन की बात करूँ तो क्या होगा मेरे पास, 1/2π 0 to 2 1/π 2π आई टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे क्या देखो जो फंक्शन था मेरा आई टी वो क्या है, जो आउटपुट में करंट क्या आ रही थी मेरे पास, कांस्टेंट करंट आ रही थी आई नॉट, इसका वैल्यू की थी, मतलब क्या जो आई टी मेरे पास फंक्शन क्या है, वो मेरा आई नॉट है, ठीक है। जो अपन ने वोल्टेज का वेव फॉर्म ली थी वो आई नॉट, ये तो थी कांस्टेंट, ट्रिपल फ्री हाईली इंडक्टिव लोड लिया था अपन ने यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा जो आई टी है वही तो क्या है, मेरा आई नॉट है। तो अगर मैं आई नॉट यहाँ पे रिप्लेस करूँ और बार बार इसे इंटीग्रेशन करूँ तो मेरे पास क्या मिलेगी, वैल्यूज मिल जाएगी। और जो मेरा कंटिन्यूस कंडक्शन मोड था, ये था जो, इसके अंदर देखो अल्फा टू पाई प्लस अल्फा तक की साइकिल वर्क कर रही है, ठीक है। तो अपन वापस जो लिमिट लेंगे वो कौन सी होगी, अल्फा टू पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे जो अपन लिमिट लेने वाले हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं अपन ए नॉट, तो ए नॉट के लिए क्या होगा, 1/2π अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, ये क्या आएगा मेरे पास, आई नॉट डी टी, एक्चुअली डी ओमेगा टी होगा, अपन डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, डी ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर इसका अपन करें तो क्या निकलेगा मेरे पास आंसर, तो इनपुट जो करंट थी अपनी, ठीक है, देखो ये तो आउटपुट करंट की बात थी अपनी, ठीक है, आई नॉट। बट अपन जो हार्मोनिक एनालिसिस करते हैं वो इनपुट के लिए करते हैं, ठीक है। तो इनपुट में अपन कैसे मिलेगी, मान लो कुछ इस टाइप से मिलेगी अपने को इनपुट के लिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कि सिंपल अपनी एसी वेव फॉर्म होती थी, ठीक है। तो ये हाईली इंडक्टिव के लिए क्या होगा, कॉन्स्टेंट वेव फॉर्म लेंगे अपन। तो देखो अल्फा टू पाई प्लस अल्फा तक तो ये फ्लो रही है, फिर पाई प्लस अल्फा टू 2π प्लस अल्फा तक कौन सी है, नेगेटिव वेव फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो पाई टू पाई प्लस अल्फा तक कौन सी वेव फॉर्म है, पॉजिटिव डी ओमेगा टी माइनस 1/2π पाई प्लस अल्फा टू 2π प्लस अल्फा क्या हो जाएगी, आई नॉट डी ओमेगा टी नेगेटिव वाली, ठीक है। तो अगर इसका अपन इंटीग्रेशन करें, 1/2π को ले ले बाहर, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो आई नॉट, देखो आई नॉट भी कॉमन है, ये भी कॉमन, तो ये भी अपन ने बाहर ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, देखो 1 इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी अल्फा पाई प्लस अल्फा माइनस 1π प्लस अल्फा 2π प्लस अल्फा। अगर इसको सॉल्व करें अपन तो क्या आएगा अपने पास, आई नॉट अपॉन 2π पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2π
प्लस अल्फा माइनस पाई प्लस अल्फा। देखो अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, एक पाई यहाँ पे बचेगा, अल्फा से अल्फा यहाँ पे कट गया, एक पाई यहाँ पे बचेगा, पाई से पाई कट गया, तो मतलब ए नॉट की वैल्यू आ गई अपनी जीरो। ठीक है, यहाँ पे अपन वो भी लगा सकते हैं, ये ऑड सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। ऑड सिमेट्री में एक्चुअली होता क्या है, ए नॉट की वैल्यू जीरो, ए एन की वैल्यू जीरो और बी एन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ए एन की ए नॉट की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, कैसे आएगी वो अपन ने डेरिवेशन देख ही लिया इसका। अब निकालते हैं ए एन की वैल्यू, वो भी क्या आनी चाहिए अपनी, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ए एन की वैल्यू। सिमिलरली ए एन की वैल्यू निकालते हैं, जैसे तो ए एन के लिए क्या होगा अपना, देखो तो ए एन क्या था अपना, वन अपॉन पाई, कहाँ तक था, जीरो टू 2 पाई आई टी कॉस एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये तो था अपना। ठीक है, तो ये क्या था मेरा, ए एन था। अगर मैं अब इंटीग्रेशन की बात करूँ तो सिंपल अपना क्या होगा, देखो ए एन का फंक्शन वापस से 1/π ले लेते हैं, पहली साइकिल कहाँ से थी, अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक। ठीक है, उसमें क्या था अपना, आई नॉट कॉस एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और दूसरी साइकिल कौन सी थी, नेगेटिव साइकिल, ये क्या थी अपनी, पाई प्लस अल्फा से 2π+α। उसके बाद में क्या था अपना, आई नॉट डॉट कॉस एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो ये हो गया अपने ए एन का एक्सप्रेशन, अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद होगा क्या अपना, तो अपने को कुछ इस टाइप का फैक्टर मिलेगा, जो ए एन की वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी -4i0/, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा इसका इंटीग्रेशन करके। उसके बाद जो अपने को फाइनल वैल्यू मिलेगी वो इसी टाइप से मिलेगी, 4i0/(n π)sin(n)α। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं n की वैल्यू ऑड रख रहा हूँ, ठीक है 1, 3, 5, और एक बार n की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2, 4 और 6। ठीक है, तो मुझे आउटपुट किस किस टाइप से मिलने वाला है, तो देखो जो साइन एन अल्फा है अपनी, तो इसमें जो एन की वैल्यू है 1, 3, 5, ……इन्फाइनाइट तक, तो इसके लिए तो अपने पास ये वाला आउटपुट मिलेगा। और ए एन इक्वल टू जीरो कब मिलेगा, जब अपन एन की वैल्यू 2, 4 और 6 रखेंगे। ठीक है, ये वाले जो अपन जो आउटपुट रख रहे हैं एन की वैल्यू, ये इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा उसके अंदर रख के उसके बाद में अपने को ये वाला आउटपुट मिलेगा और ये वाला आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गई, ए एन की वैल्यू। अब अगर भाई फाइंड आउट करें अपन बी एन की वैल्यू, ठीक है, तो बी एन की वैल्यू देखते हैं कैसे निकलेगी। तो सिमिलरली बी एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, 1/π 0 से 2π आई टी साइन एन ओमेगा टी। तो बी एन की वैल्यू मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे आएगी, और जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा अपना, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से आएगा, जिसमें अपना क्या होगा, 4, अगर अपन एन की वैल्यू से अपने 4n = 1, 3 और 5 पुट आउट करेंगे, तब अपने को जो बी एन का आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा अपने पास, 4i0/(n π)cos(n)α। ठीक है, अगर बी एन की वैल्यू में, अगर एन की वैल्यू 1, 2, 4 और 6 रख रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, बी एन की वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट, संभाल के याद रखना है। ठीक है, अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूँ इसके, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है अपना, सी एन, वो होता है क्या एक्चुअली में, ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर का पावर रूट। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, अपन ने निकाली थी यहाँ पे ए एन की वैल्यू, ये वाली, तो ये है ए एन की वैल्यू क्या है अपने पास, 4i0(n π)-4π(4i0)/(n π)sin(n)α² प्लस बी एन की वैल्यू क्या ये वाली है, 4i0/(n π)cos(n)α²
पावर 1/2, तो ये क्या गया मेरा सी एन आ गया। और थीटा निकालना होता तो क्या करते थे अपन, थीटा एन की वैल्यू चाहिए मुझे तो क्या करूँगा मैं, थीटा एन के लिए टेन इनवर्स ए एन अपॉन बी एन, ठीक है। अगर टेन इनवर्स ए एन अपॉन बी एन करेंगे तो क्या होगा, देखो ए एन की वैल्यू क्या थी अपने पास, ये वाली थी, बी एन की वैल्यू ये वाली थी। देखो तो ये वाली टर्म कटेगी, कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा, तो टेन एन अल्फा बन गया ऊपर अंदर में, टेन एन अल्फा टेन, ये क्या बनेगा माइन टेन माइनस का एन अल्फा, ठीक है। ये क्या थीटा एन, थीटा एन अगर मैं लूँ, देखो माइनस को अंदर ले जाता हूँ तो टेन टेन इनवर्स से कट जाऊंगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, थीटा आएगी माइनस एन अल्फा, तो मेरे पास थीटा एन की वैल्यू आ गई, फेज एंगल आ गया, फेज आ गया मेरे पास, और इसका सी एन आ गया मैग्नीट्यूड। तो ये क्या था मेरा मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी। तो अपन ने इसमें ए एन बी एन और सी एन निकाल, ए एन बी एन और निकाल लिया और ए नॉट निकाल लिया, उसके बाद अपन ने देख लिया इसका जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है और थीटा की वैल्यू देख लिया अपन ने, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद।